हेलो एवरीवन, क्या हाल है। मेरा नाम बिलिंद क्वात्रा है। मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करा था, मतलब मैं यार जो भी वीडियोस बनाता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाता हूँ। मैं नहीं कहता कि मेरे को बहुत कुछ आता है, बट जो मुझे आता है मैं वो बोलता हूँ। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट जैसे जैसे मैं चीज़ें सीखता रहता हूँ वो शेयर करता रहता हूँ। और मैंने पिछली वीडियो में शेयर करा तो सारे बता रहे थे हाँ भाई वो वीडियो डालो कि ऑटो एसी कैसे चलता है, कैसे चलता है। मैं बहुत देर से जब लोगों की गाड़ियों में ऑटो एसी देखता था तो हमेशा क्या करता था, गाड़ी के अंदर बैठे, ऑटो का बटन दबाया, टेम्परेचर लो पे है, चलो जी अपना आप शुरू हो गया। फिर क्या होता था, उसने बहुत सारी हवा मारने लग जानी, थोड़ी देर बाद मुझे इतनी हवा गंदी लगती थी, मैंने फ़ैन वाले बटन से पंखा स्लो कर देना और वो एसी नॉर्मल चलते रहना, बट ऑटो वाला बटन हट जाता था। और मुझे हमेशा लगता था यार कि मतलब कि मुझे ये तो पता था कि मैंने ऑटो वाली चीज़ को हिला के मैनुअल पे ले आया। फिर मैं होता था यार कि फिर पैसे क्यों खर्चने, फिर ऑटो एसी का फ़ायदा ही क्या है, तो नॉर्मली चलाओ। बट इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैनुअल एसी की भी बात करें, मैनुअल एसी में दो कंट्रोल होते हैं, एक फ़ैन का, फ़ैन स्पीड 1, 2, 3, 4, और दूसरा टेम्परेचर का। और यही चीज़ ऑटो एसी पे हमें हिट करती है। ऑटोमेटिक में एसी कहता है कि तुमने मुझे टेम्परेचर बताना है कि मैं कितने टेम्परेचर पे तुम्हारी गाड़ी ठंडी करूँ, तो मैं उसको टेम्परेचर बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, 90% टाइम हम उसको लोएस्ट पर रखते हैं, विच इज़ 16 degrees और 18 degrees। 18 degrees टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है और उसमें बहुत ठंड लगती है। हमें नॉर्मल 24 पे ठंड लगने लग जाती है। और जब हम बाहर से अंदर आते हैं तो बाहर कभी 30 degrees टेम्परेचर होता है, कभी 35 होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको कार को हमेशा 24 पर रखना चाहिए ताकि उसके लिए एक जेन्युइन अचीवेबल टेम्परेचर हो जिसको वो अचीव कर पाए। हम उसको हमेशा क्या करते हैं, लोएस्ट पे, हम उसको लोएस्ट पे रख देते हैं, कार के अंदर बैठते हैं, वो बेचारा पूरा जोर लगा देता है कि नहीं यार जब तक 18 degrees टेम्परेचर नहीं होगा मैं ठंडा करी जाऊँगा। और 18 degrees टेम्परेचर कार में लेके आना दिन के टाइम इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर दैट यूनिट ऑल्सो, चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग एसी हो वो अंदर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लेके आ सकता। इसलिए वो बेचारा पूरी स्पीड पर चलता रहेगा जब तक आप उसको लोएस्ट पर रखोगे। फिर हम यहाँ से फ़ैन कम करते हैं, फ़ैन कम करते हैं उसका ऑटो कम हो जाता है। तो द थिंग इज़ यू शुड ऑलवेज कीप इट एट अराउंड 24। अगर थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही है तो उसको थोड़ा ऊपर कर दो, 26 कर दो, 27 कर दो। अगर आपको ठंड और ज़्यादा चाहिए या आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है, किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, तो उसको 23 कर दो, 22 कर दो। बट 22 से नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, एंड 21-22 इज़ गुड इनफ। और इस पर अगर हम ऑटो पर चलाएंगे तो नॉर्मल अपनी फ़ैन स्पीड कंट्रोल करता रहेगा, सी इट इज़ एट 5 और 4, बिकॉज उसके पास यही कमांड है कि मैंने इतने टेम्परेचर तक कार का टेम्परेचर लेके जाना है। अब मैं जैसे जैसे बढ़ाता रहूँगा वो फैन स्पीड कम करता रहेगा, क्योंकि उसको यही है कि मैंने इतना टेम्परेचर कितनी जल्दी करना है और कितने दूर से करना है। लोएस्ट कर दूंगा तो बिल्कुल स्पीड फास्ट कर देगा। और कम हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज ऑटोमेटिक, द फैन स्पीड इज ऑटोमेटिक, टेम्परेचर आपको सेट करना है। तो और इसका सेकेंड फायदा मैं बताता हूँ, हम अगर कार की एसी को इम्प्रैक्टिकल सी फिगर देख के रखेंगे तो कार के एसी सबसे ज़्यादा पावर लेगा, इसलिए वो इंजन का भी जोर खाई जाएगा, वो आपकी तेल भी ज़्यादा डलवाएगा क्योंकि इंजन में ज़्यादा जोर डलेगा वो उसकी माइलेज भी कम होगी। तो हमेशा अगर हम एसी को 24 पर रखकर गाड़ी चलाते हैं तो माइलेज भी बेटर होती है और इंजन एसी का जोर कम पड़ता है इंजन पर। सो दिस इज हाउ द ऑटोमेटिक एसी वर्क्स। एंड नंबर टू, 24 पर रखने से या 23 पर रखने से या 25 पर रखने से व्हाई इट इज़ बेटर फॉर द माइलेज एंड फॉर द इंजन इटसेल्फ ऑल्सो, और एसी की लाइफ भी बेटर होती है इससे। फिर इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, जैसे हम नॉर्मली अगर मैनुअल एसी है तो फ्रंट शीशे से फॉग हटानी है तो पहले उसका मोड शीशे पे करते हैं, फिर ठंडक बढ़ाते हैं, फिर फ़ैन की स्पीड बढ़ाते हैं। तो इसमें अगर फ्रंट कर दोगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली देख लेता है वो। उसने अपना ठंडक भी देख लेनी है, उसने अपना ये भी देख लेना है कि उसको सर्कुलेटेड एयर नहीं चाहिए, बाहर से आते हुए एयर चाहिए। मोड भी अपने आप चूज़ कर लेता है और अपना फ्रंट पर हवा मारने लग जाता है। और अब इसको बंद कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। मतलब अगर आपको फ्रंट पे फॉगी लग रहा है, ये बटन दबाओ, अपने आप अपना आपका शीशा साफ कर देगा। एंड सेम एज फॉर रियर, रियर दबाओगे तो रियर पे भी सेम कर देता है, बट रियर पे वेंट्स नहीं होते, रियर पे डीफॉगर होता है। डीफॉगर अलग टेक्नोलॉजी है, वो आपकी पिछली गाड़ी के शीशे पे लाइंस होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रो करंट ट्रांसफर होकर वो फॉग हटाने लग जाता है। तो ये बटन दबाओगे वो चीज़ें होती हैं। आप देखना जिस पर रियर डीफॉगर अगर आपके फीचर्स में दिया हो तो आप कार के पीछे लाइंस लगी होंगी उसके पीछे रियर विंडशील्ड पे, तो वो चीज़ फॉग हटा देती है। तो ऑटो एसी के ये सारे फायदे होते हैं। ऑटो आपको सारे बटन पहले ही मिले होते हैं तो हमने सिर्फ एक एक करके बटन दबाना है, बाकी एसी ने अपना आप सेट कर लेना है कि मैंने क्या चीज़ कैसे करनी है। तो थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू अगेन।